हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और सरकारी जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जूनियर इंस्ट्रक्टर की न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो या ईमेल हो, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप चाहो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फट से पोस्ट के रिगार्डिंग हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जूनियर इंस्ट्रक्टर की न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। सीट वाइज बात करें तो इसको बम्पर नंबर का सीट बोला जाएगा, क्योंकि 1821 मतलब 1821 सीट के लिए आपकी ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। अब रही बात की अप्लाई की तिथि क्या होगी, तो 13 मार्च यानी कि आज से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 11th of April, मतलब कि 11 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना होता। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो जैसा कि फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, जितना जल्दी अप्लाई करोगे, बाद में सर्वर इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे क्या फी लिया जाएगा। जनरल और ओबीसी से ₹600 लिया जाएगा। ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी कैंडिडेट से ₹400 लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वैसे ये जैसे राजस्थान की वैकेंसी है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, कहीं के भी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप अपने स्टेट के लिए रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चर्चा कर लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि एज किस डेट से काउंट होगा। एज ऑन 1 जनवरी 2025, जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2025 के अनुसार 21 वर्ष से 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है, सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका अपर एज होता है, उसके लिमिट में कुछ छूट दी जाती है। तो आइए बता दूं कैटेगरी वाइज क्या छूट दिया जाएगा। जो एससी एसटी कैंडिडेट है, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनको 5 वर्ष का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। फीमेल में जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, उनको भी 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं, उनको यहाँ पर 10 वर्ष का छूट मिलेगा। साथ ही साथ जो फीमेल वीडो है या फिर डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड वीमेन है, उनको यहाँ पर नो अपर एज का लिमिट रहेगा। मतलब 40 वर्ष है तो बाकियों को 5 साल और 10 साल, उनके लिए एज का कोई लिमिट अपर नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, 10+2 पास आउट होना चाहिए कैंडिडेट। साथ ही साथ आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर नेशनल लेवल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। अब आप सोचेंगे कि डिग्री, डिप्लोमा कितने टाइम का होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली है तो कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, डिप्लोमा 2 इयर्स का, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका 3 इयर्स का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे अच्छे वे में। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किन किन स्टेज से गुजरने के बाद होगा। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि 4 स्टेज से गुजरने के बाद ही आपका चयन यहाँ पर हो पाएगा। पहले स्टेज पर रिटेन एग्जाम, मतलब कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देन आपका स्किल टेस्ट होगा, रिलेटेड ट्रेड का टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा, 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, लेकिन एक ही समय में कंडक्ट कराया जाएगा।
120 मार्क्स का होगा, मतलब 120 प्रश्न 120 नंबर के लिए रहेंगे, हर प्रश्न के लिए एक नंबर मिलेगा। समय अवधि की अगर बात करूं तो 2 घंटे का आपकी परीक्षा कराई जाएगी। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का, सो बी अवेयर, जिसमें डाउट लगे उसको टिक ना ही करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात कर ले कि दो पार्ट, क्या क्या पार्ट यहाँ पर होने वाला है। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपका राजस्थान स्पेशल, जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके 40 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि राजस्थान का जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स एकदम पढ़ के ही जाना है इस एग्जाम को देने के लिए। पार्ट बी में आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। जिस ट्रेड से आपने इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट है, उस ट्रेड से रिलेटेड आपका 80 मार्क्स का रहेगा, मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। देन आपका एक स्किल टेस्ट होगा, फिर आपको बताया कि डीवी और मेडिकल, देन ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो राजस्थान में होगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। तो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आपको राजस्थान के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके एग्जाम देना होगा। बाकी का प्रोसेस भी राजस्थान से होगा और जॉब आपको वहीं पर करना होगा। तो जब जॉब करेंगे तो क्या सैलरी मिलेगी, आइए मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि पहले ही बताया था कि ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए आपको लेवल 10 की सैलरी मिलती है। एट द स्टार्ट आपको मिलता है 73,200, मतलब 75,000 से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्स एंड अलाउंसेस हर साल जो आपकी सैलरी बढ़ती है ना, वो आपको 1,02,800 की सैलरी तक पहुंचा देती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। आई होप कि इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी डाउट था आपके मन में, अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो कमेंट करके आप जरूर क्लियर कर सकते हो। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको पहले ही बताया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके थोरो आउट एक बार आप जरूर रीड करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाए, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।